नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अप्सरा साधना की ये मेरी अगली वीडियो है और एक सीरीज टाइप की मैंने चला रखी है, उसी से संबंधित ये आज का वीडियो है। अभी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अप्सरा साधना की प्रचंड मंत्र जप की जो विधि होती है वो कैसे करनी है। सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि अप्सरा साधना हेतु जो भी आप यंत्र स्थापित कर रहे हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आपकी माला भी मंत्र जाप हेतु जो भी होती है वो संस्कारित होनी चाहिए। हल्का भोजन लेकर स्वस्थ शरीर और एकाग्र चित्त से उत्कीर्ण करते हुए मंत्र का आप जाप करें। जिस स्थान पर आप जप करें वह स्थान आपका स्वच्छ होना चाहिए, उस पर सफेद चादर आप बिछा सकते हैं। जब भी निरंतर कई दिन तक की साधना के बाद आप माला को होता है उसको रखकर शरीर को अपने ढीला छोड़ देते हैं, आंख बंद करके शांत कुछ देर लेटे रहे और पुनः साधना आराम करें। सामान्य जब करते हुए प्रचंड जब की स्थिति तक पहुंचने हेतु जब में आपको पारंगत होना पड़ेगा। मंत्र जाप करते हुए तीसरे या चौथे दिन ही मंत्र के उच्चारण जो होते हैं उसके शब्द आपको साधना में सामने रखे हुए यंत्र से टकराते हैं। यदि साधना 5-7 दिन की होती है तो मंत्र के शब्द यंत्र से टकराकर अंतरिक्ष में उस अप्सरा या देवी तक पहुंचने लगते हैं। जिसकी साधना की जा रही है फिर अप्सरा तक मंत्र शब्द पहुंचने के पश्चात अंतरिक्ष से वापस वही शब्द दुगुनी गति से यंत्र से पुनः टकराता है। फिर साधक के कानों से होकर मस्तिष्क आज्ञा चक्र और पूर्ण शरीर में प्रभावित होने लगता है। जैसे जैसे शरीर में मंत्र का प्रभाव बढ़ेगा शरीर के रोम रोम हिलेंगे। यह अनुभव आपका मस्तिष्क से होता हुआ यानी आपके दिमाग और माइंड से होता हुआ पैर तक जाएगा ये। लेकिन इसके लिए साधक के मंत्र जाप जो होता है ना उसमें पावर होना चाहिए, प्रबलता होना चाहिए। ये नहीं कि ध्यान कहीं और है, पूर्ण फोकस पूरी डेडिकेशन के साथ पूरी निष्ठा के साथ जब आप ये काम करेंगे ना तो ऐसे में पूरा शरीर आपको मंत्र के अनुभूति ही लगेगा। मंत्र के हर अक्षर की अलग अलग तरंग आपको अनुभव होगी। जब पूरे मंत्र की गूंज आपके मस्तिष्क में होगी तब ये साधना का दूसरा स्तर होता है और यही सबसे बड़ी प्रचंड की स्थिति है। जब ये स्थिति आपके अंदर में आ जाएगी ना तो यंत्र अप्सरा और साधक एक त्रिकोण में बन जाएंगे यानी एक ही डायरेक्शन में तीनों चीजें आ जाएंगी। और इससे क्या होगा कि मंत्र शक्ति जो है वो निरंतर बहती रहेगी। और ये काम केवल अप्सरा ही साधना में नहीं होता है, ये हर साधना में होता है। जब भी ऐसी चीजें होती है तो ऐसी अवस्था में साधक को अपनी मुद्रा को बदलना नहीं चाहिए और ना ही यंत्र के साथ छेड़खानी होनी चाहिए। तो आप जिस जगह में बैठते हैं, जिस आसन में, जिस अवस्था में, जिस तरीके से बैठते हैं उसी अवस्था में बैठें। अगर निरंतर आप अच्छे मन से मंत्र जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपका पूर्ण फोकस मंत्रों के ऊपर होगा तो जो बाहरी संसार होता है उसकी ध्वनि आपके कानों में अपने आप आनी बंद हो जाएगी। और धीरे धीरे भौतिक संसार से आपका संबंध हट जाएगा। मंत्र जाप की लय में आनंद अवस्था में माला की जो गिनती होती है उसका महत्व भी होता है। जब ऐसी अवस्था में आप 8 से 10 घंटे मंत्र जाप से सब कुछ पा लेंगे तब भी आपको कोई थकावट नहीं होगी। और इस प्रकार जाप से 5, 7 या 21 दिनों के अंदर में आप सिद्धि पा लेंगे। कुछ साधनाएं ऐसी भी होती हैं जो एक रात की होती है केवल, लेकिन उनमें भी जो प्रबलता होती है तभी आपको सिद्धि संपन्न होगी। जाप के दौरान प्रबल तरंगों से आपका जो आसन होता है वो भी शक्तिशाली हो जाता है। जो आपको जो साधक होता है जो भी साधना कर रहा होता है उसको अधिक समय तक बैठने के लिए प्रेरित करता है और जिससे वो साधक मंत्र जाप में
करता जाता है। तो अप्सरा साधना के लिए यंत्र और अप्सरा की फोटो वगैरह और अप्सरा की पूजित माला जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तब ये सब चीजें आपको सही प्रकार से मिलेंगी तो ही साधना में आपके जीतने के चांस ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, अप्सरा साधना के लिए मंत्र जाप करते हैं, तो आपकी अप्सरा साधना जरूर सफल होती है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, उन लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पर पुराने से हैं, उन लोगों का बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया, धन्यवाद। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।